प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के 2,00,000 लाभार्थियों को डीबीटी से 1,341 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रदेश भर के 2,08,53 लाभार्थियों को योजना की पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त की 1,341.17 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर किया। उन्होंने इस मौके पर पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया तथा उनसे धनराशि प्राप्त होने की जानकारी भी ली, साथ ही जन्माष्टमी की शुभकामना भी दिया। इसी के अंतर्गत नगर निगम के सदन हाल में हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कार्यक्रम के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 10 लाभार्थियों को महापौर सीताराम जायसवाल, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिला अधिकारी विजय किरण आनंद एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने प्रमाण पत्र एवं चाबी वितरित किया। इस अवसर पर नगर निगम एवं डूडा के अधिकारी और कर्मचारी और योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल और राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, जोन भी 10 शहरों में विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें से 6 बिल्डिंग भी महानगर पूरा हो रहा है। लोगों को 1,346 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की जा रही है। आज जी की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते सुशीला जी, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको अब तक कितना पैसा मिल गया है? हमको सर पहला किस्त 50,000 दूसरी डेढ़ लाख 20,000 आ जाते हैं। अच्छा, तो यानी 2,50,000 रुपये आपको मिल रहा है, यानी 50,000 रुपये, यानी 2,00,000 रुपये आपको अब तक मिल चुका है ना? तो जो पैसा आपको अब तक मिला है, इससे मकान ही बनाया है या कुछ और कर दिया है? मकान बन रहा है। आपका परिवार में कौन कौन लोग हैं? 5 लोग हैं। 2,50,000 रुपए की लागत से अच्छा मकान अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए, आपके परिवार के, आपके सभी सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल कितनी सुविधा हो जाएगी मकान की। अच्छा, एक कुछ विकास नहीं था, जनता का विकास नहीं था, अपना स्वयं का विकास था। राज्य के गरीबों को और हर जरूरतमंद को सारी सुविधाएं मिल गई। किसी को घूस देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी। आपको और आपके जितने भी अन्य ऐसे प्रयागराजवासी हैं, वहां पे हमारे विधायकगण हैं, माननीय सांसद के लिए हैं, इन सबके सहयोग से देखिए सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। उपलब्ध है आपको भी धन्यवाद। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।
जाने क्या उस इतना पड़ी थी क्या से राशन मिलना है उसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ती ना। और ये रसोई गैस के सिलेंडर के लिए भी कोई सिफारिश और कोई घूस की आवश्यकता तो नहीं पड़ी होगी। अच्छी सरकार जो आती है बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ ऐसे ही देती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है कि हर गरीब को बिना भेदभाव के, हर जरूरतमंद को भेदभाव बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिले। इसी के लिए हमारे वहाँ पे विधायक और सांसद जी बैठे हुए हैं, यहाँ महापौर जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हर गरीब को चेहरा देखने में उसकी जरूरत के हिसाब से शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कर रहे हैं। और आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का एक पहली किस्त 50,000 रुपये की आपके खाते में सीधे जा रही है। पैसे 50,000 इस पैसे का उपयोग मकान बनाने में ही करना, ठीक है ना, जिससे फिर अगले किस्त आपको 1.5 लाख की मिल जाएगी। फिर उस पैसे से आप मकान पे लगा देंगे तो तीसरे किस्त में 50,000 की मिल जाएगी। आपके बच्चे बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? आप इनको स्कूल पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, तो बच्चे आगे बढ़ करके पढ़ा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिला है, कितने करोड़ लोन आपने लिया है, सर पेमेंट को करने के लिए कोई ट्रेनिंग भी ली है कि नहीं ली है? जमीन है, जर्जर आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आप हो सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे डीएम साहब बैठे हुए हैं और मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनसे कहूँगा कि लोग देखें, ऐसे जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जिनके पास अपनी लैंड है, 3 लाख रुपये सालाना से कम उनकी आय है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता की श्रेणी में आते हैं शहरी क्षेत्र में, उन लोगों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। देखिए अजय कुमार जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कौन क्लास तक पढ़े हैं आप? 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन देखिए आपने अच्छा काम किया, पढ़ाई अपने 5वीं तक क्लास पढ़ने के बाद भी आप जो आप ठेला लगा करके इस कार्य को कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? ओ, तो दोनों आपसे ज्यादा पढ़ लिए हैं अभी तक। अच्छे किसानों को आगे बढ़ाइए, सरकार की योजनाओं का लाभ दीजिए अजय कुमार जी आपको, और जितने भी वहाँ पर अन्य फुटपाथ के विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, आभार्थीगण, उपस्थित भाई बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि कृष्ण जन्माष्टमी आज आप सबके जीवन में एक नई मंगलमय समाचार के साथ आ रही है और आपको शासन की योजनाओं का लाभ निरंतर तरीके से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को और अन्य शासन की योजनाओं के लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2,853,000 लाभार्थियों के खाते में 1,341 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ पर हम लोगों ने अभी वितरित की है। इसमें जो धनराशि वितरित की गई है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि दी जा रही है। इसके लिए मैं सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मुझे यही कहना है कि जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो योजनाओं का लाभ कैसे हरेक व्यक्ति को प्राप्त होता है और कैसे बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी जा सकती है, तकनीक इसमें कैसे सहायक हो सकती है, उसका एक उदाहरण आज का एक कार्यक्रम है पीएफएमएनएस के माध्यम से। ये पूरी धनराशि आप सभी के खाते में जा रही है। लेकिन पहले होता क्या था, जब हम पीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं देते थे, ये पैसा चेक के माध्यम से ये नगद वितरण होता था, जिसमें भ्रष्टाचार भी होता था, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। और इसीलिए देश के एक प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं, गरीब के खाते में मात्र 15 रुपया पहुंच पाता है, यानी 85 रुपया पहले बेमानी से दूसरे लोग हड़प जाते थे और गरीब देखता रह जाता। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर 100 रुपया किसी गरीब के लिए स्वीकृत हुआ है तो 100 के 100 रुपये का लाभ उस गरीब को अनिवार्य रूप से मिले। इसके लिए डिजिटल बिहार डीबीटी के माध्यम से उस गरीब के खाते में पैसा देना, इस योजना का लाभ कैसे उपलब्ध कराया गया है आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट के माध्यम से सबसे पहले हर एक गरीब परिवार के खाते खोले गए और गरीब परिवार के खाते खोलने के बाद फिर एक एक योजना का लाभ उनके खाते में सीधे देने की व्यवस्था हुई। और कोरोना कालखंड में तो करोड़ों लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास भी हुआ और लोगों को बैंकों में भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गांव-गांव में बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सकी और बैंकिंग जो क्रॉस्पोंडेंट थे इनके माध्यम से उनके घरों तक पैसा पहुंचाने का काम भी हुआ है। अच्छी संवेदनशील सरकार और कल्याण के लिए समर्पित सरकार इसी भाव के साथ कार्य करती है। और आज बिना भेदभाव के क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, या क्या समाज का दिव्यांगजन या समाज के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी लोगों को आज अगर शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो रहा है तो इसके पीछे शासन का यही भाव है। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जिनमें से 8,65,000 आवास तक बनकर के तैयार हो चुके हैं और हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के रूप 2022 तक हर उस जरूरतमंद गरीब को योजना का लाभ देकर के उसे एक आवास अवश्य उपलब्ध कराया जाए। दोनों में भारत सरकार की हर योजना का लाभ हर एक जरूरतमंद और हर एक गरीब को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास प्रारंभ है। योजना ने भी इस योजना का लाभ हमें उपलब्ध हुआ है, मुझे यानी पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को इसमें देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सभी अधिकारीगण को भी रुचि देंगे और योजनाओं का लाभ उन सभी लाभार्थी परिवारों को उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना शहरी लागू किया। दूसरा, प्रधानमंत्री श्री पेंडर आत्मनिर्भर निधि, हम सब जानते हैं कोरोना कालखंड के दौरान पूरे देश और पूरी दुनिया जब कोरोना से मस्त थी, त्रस्त थी, तब भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने आप गरीबों का ध्यान रख करके उन्हें आत्मनिर्भर ताकि
लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ है स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ रही है। और देश के अंदर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम बात यानी शहरी जो पथ विक्रेता है जिन्हें अपनी आजीविका के दौरान क्योंकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के दौरान विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी उन्हें बहुत परेशानी हुई, उनकी पूंजी समाप्त हो गई। यद्यपि सरकार ने उस दौरान में भरण पोषण भत्ता देने का प्रयास किया, फ्री में राशन देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी जरूरतें होती है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना भी लागू की थी, जिसमें स्टील वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के समय एक बेहतर प्रयास हुआ। इस योजना के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे अधिक लाभार्थी यानी प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। 7,55,450 जो हमारे स्टील वेंडर हैं, इनके लिए ऋण स्वीकृत कराए गए, जिनमें 6,84,274 को अब तक ऋण वितरित किया जा चुका है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारे सभी नगर निकाय उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बेहतर प्रयास करेंगे और सभी स्टील वेंडर को इन योजनाओं से जोड़ करके उनके व्यवस्थित पुनर्वास और स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि इस योजना से हर एक स्ट्रीट वेंडर को यह पहली बार हो रहा है कि जब स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई सरकार योजना लेके आई योजना के साथ ही उन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आप सबको जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय इधर 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 अभी लोग तालियां इधर उसको आगे ठीक इधर इधर पकड़ ले सकते हो देखिए पूरे प्रदेश में 2,08,53 लोगों को पहली दूसरी और तीसरी प्रधानमंत्री आवास की किस्त आज गई है, जिसमें करीब 1,500 लाभार्थी जो गोरखपुर जनपद के हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि इतनी बड़ी सौगात आज जन्माष्टमी के दिन उन्होंने प्रदेशवासियों को दी है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे जनपदवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना देना चाहेंगे। देखिए प्रदेश के विभिन्न जगहों पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल संवाद करके लोगों से हकीकत जानने का प्रयास किया कि जो सरकार पैसा दे रही है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, उसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। विभिन्न इकाइयों से उन्होंने बात किया है और लाभार्थियों से स्वयं बात किया है और लाभार्थियों ने संतोष व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना किसी एक पैसा खर्च किए उनको मकान मिल गया है, गैस मिल रहा है,
उनको और भी जितने राशन कार्ड मिल रहा है, जितनी सुविधाएं हैं उन्हें मिल रही है। साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत जो लोग पात्र हैं उनको कार्ड भी दिए गए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सालाना उनका इलाज संभव है बिना किसी भेदभाव के। साथ ही साथ केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, सबको 10,000 रुपया बिना किसी के पैरवी के उनके खाते में जाए। और इसकी भी जांच हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, बहुत सारे लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं और इतने बड़े लाभार्थी पिछले किसी भी शासनकाल में नहीं हुए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने समूह में स्वरोजगार के लिए महिलाओं के लिए जो टीमें बनी हैं उसका लाभ भी हमारे नारी शक्ति को, महिलाओं का सम्मान में, उनके बेरोजगारी दूर करने में, स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने में मिल रहा है। इसकी ज़मीनी हकीकत मुख्यमंत्री जी ने जानी है और आज एक किस्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन लाभार्थियों को जिसके घर बन रहे हैं या बनने के दिशा में अग्रसर है उनको एक किस्त आज उन्होंने एक क्लिक में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बिचौलिए के वहाँ तक पहुँचाया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और योगी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की गरीबों को जीवन स्तर ऊँचाने के लिए एक अभिन्न प्रयोग किया है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो आज मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को संपूर्णतः जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता है और उन लोगों को आवास दे करके खुद मॉनिटरिंग किया उन्होंने कि आपके आवास के पैसे पूरे मिल गए कि नहीं मिल गए, आपके आवास बन गए कि नहीं बन गए, उसकी पुष्टि लाभार्थियों ने खुद की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका जानकारी लेते हुए उन लोगों को आज चाभी उसका स्वामित्व देने का काम किया। एक प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और अभी भी आने वाले समय में जो अधूरे लोग अभी जिनको मिला नहीं है उनको भी देने की योजना पूरी रूप से सरकार कटिबद्ध है, आगे उनका भी पूरा व्यवस्था करेगी, कोई इस प्रदेश और देश में बचेगा नहीं, सबको आवास मिलेगा।